हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप यू फाइन। वेलकम टू डोंट टू डिफर वंस अगेन। तो आज का संडे है और आज थोड़ा मैं फ्री होता हूँ, तो इसलिए संडे को मैं मोस्ट ऑफ टाइम्स बड़ा वीडियो बनाता हूँ। वो बड़ा वीडियो होता है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ऑन ड्रोन रेगुलेशंस। एंड इसमें हम अब मैंने समय आपको बताया था, जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें जो कमेंट्स आते हैं, जैसे आज जो हम कर रहे हैं इसमें जो कमेंट्स आएंगे वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा। तो जो लास्ट हमने किया था सेशन, तो उसके मैं कमेंट्स लेने वाला हूँ। हर एक पूरे कमेंट्स करता हूँ क्योंकि 50-60 होते हैं, तो 20-15-18 मिनट का वीडियो बनता है, तो वो पॉसिबल हो जाता है। तो 56 कमेंट्स आए हैं, तो मैं सारे पढ़ूंगा इसमें वन बाय वन विद नेम। तो इससे आपको भी अच्छा लगता है और थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ती है और थोड़ा एक वो अच्छा लगता है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला। गैरो चैनल ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू वेरी मच गैरो चैनल। आपका अप्रिसिएशन सर आंखों पे, और इससे हमें और उत्साह मिलता है और दिल करता है और वीडियो बनाया जाए, थैंक यू वेरी मच। रोहित यादव पूछ रहे हैं, भाई मेरा चार्जर खराब हो गया है फैंटम 4 एडवांस का। अब ये बहुत क्वेश्चन आता है कि हमारा चार्जर खराब हो गया है तो चार्जर का क्या। अब देखिए, ड्रोन फोन नहीं है, मोबाइल चार्जर से आम मिल जाते हैं, स्पेशली DJI की अगर ड्रोन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो इसका ये हो सकता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि चार्जर को किस तरह से आप रखें, बेसिकली मैनेज कैसे करें ताकि आपको खराबी का सामना जल्दी ना करना पड़े। अब मेरे पास मैविक एयर है और उसका चार्जर अभी तक मेरे पास बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप ढंग से यूज करते हैं चीजों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे इसको मेंटेन करना है प्रॉपरली, इसके ऊपर कैसे इसके जॉयस्टिक्स को मेंटेन करना है, कैलिब्रेट वगैरह सारा कुछ डिटेल वीडियो इस पर चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी लिखे तो मैं अलग से बना दूंगा। तो ये सारा खेल किसका है, किस तरह से आप उसको हैंडलिंग करते हैं। और जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है, तो अकेला आपको रिमोट यहां पर इंडिया में नहीं मिल पाएगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से ड्रोन के सेट्स आते हैं, तो उसमें ड्रोन कोई आपको देगा भी नहीं, ठीक है। शंकर डे जी कह रहे हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वेलकम शंकर जी। देन मिनेश कुमार कह रहे हैं, ड्रोन शॉट्स देखने लिए सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मिनेश जी ने ड्रोन शॉट्स अपने चैनल पर लगाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अमित पवार कह रहे हैं, मुझे लेना है मैविक मिनी 2, नंबर दे दो। देखिए, ड्रोन बिजनेस मैं करना चाहता हूँ बट अभी मतलब एज सच जैसे स्टॉक आता है प्रॉब्लम, जैसे मोबाइल का आजकल बिजनेस बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत अच्छा चैनल है, और उस तरह का हिसाब किताब अभी ड्रोन में शुरू नहीं हुआ है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप सब बताएं जो देख रहे हैं कि अगर मैं अपना शोरूम खोलूं ड्रोन टेक डॉक्टर के नाम से, चंडीगढ़ से हूं मैं, तो आप मुझसे परचेज करेंगे, आप मेरे पोटेंशियल कस्टमर बनेंगे। ट्रस्ट बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है। जब शुरू होगा मतलब ये सिस्टम पूरा लीगलाइज्ड, तो डेफिनेटली आपके सपोर्ट से ड्रोन डॉक्टर से आप मिल भी पाएंगे और ड्रोन भी ले पाएंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना बताएं योगदान कितना रहेगा आपका। विल यू कम टू चंडीगढ़, क्या आप चंडीगढ़ में ड्रोन लेने मेरे से आएंगे? और अगर उस टाइम पर ऑनलाइन का सिस्टम भी अगर सेफली हो गया तो मैं आप वहां से भी मतलब आपका सपोर्ट देखना चाहता हूं, इफ आई ओपन माय स्टोर ड्रोन टेक डॉक्टर, प्लीज बताइएगा। तो आप नंबर मांग रहे हैं, अभी फिलहाल एज सच कोई नहीं है क्योंकि कोरोना का चक्कर चल रहा था, इस करके कोई कोई ला रहा है कोई कोई नहीं ला रहा। अमेजोन में जाकर देख ले, आई थिंक अमेजोन पे भी अब अवेलेबल नहीं है, बट आप जैसे अब सबकी चीजें खुल रही हैं तो धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, जैसे होगा मैं आई विल लेट यू नो। अमित पवार, ठीक है। विनेश कुमार, थैंक यू फॉर द आंसर, माई प्लेजर। चिराग धर्मानी, आई फाइनली गॉट मैविक एयर 2। मैंने कहा धीरे धीरे आ जाते हैं, गुड, इट्स वेरी नाइस लेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम द ड्रोन इन द मिडल सेगमेंट, बहुत बढ़िया, मुबारकें आपको। एक झरक हांडी, DJI मैविक मिनी कितने का मिलता है ऑफलाइन मार्केट में सर? मैं व्लॉगर हूं और कब से वेट कर रहा हूं लेने का। देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सजेशन दूंगा, मिनी में अब मत पैसे खर्च करें क्योंकि मिनी में जितने आप खर्च करेंगे, अब जैसे नया अपडेट आ गया है और वो फोर्सफुल हो जाएगा, थोड़े दिनों में आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो वो 15 मीटर के ऊपर जाएगा नहीं, तो आपका जो
वो आपने लॉन्ग ऊपर से शॉर्ट्स लेने होंगे अपने व्लॉग्स के लिए दिखाने के लिए, तो वो आपका नहीं हो पाएगा जॉब। तो प्लीज़ आप या मैं भी केयर ही लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। और ऑफलाइन मार्केट दिल्ली बेंगलोर मेट्रोज में बहुत है भैया। मुझे लेना है मिनी टू कॉन्टैक्ट मी, साकेत पीयूष कह रहे हैं मिनी टू लेना है। अभी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल नहीं है। बाकी ऑफलाइन मार्केट में दिल्ली वगैरह में पता कर सकते हैं और अमेजोन पे चेक करता रहे, सून अवेलेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एरुण मेशन YT। एज यू नो फॉर एरोड्रोन वी हैव नाउ 15 मीटर एल्टीट्यूड लिमिट। येस माई क्वेश्चन इज वेरी सून NPNT will come in picture after that. What will happen to DJI micro drone as DJI has already denied to comply with NPNT as it needs hardware changes. So what do you think? Is it worth to invest on DJI micro drone in India? Well, ये पूछ रहे हैं कि 15 मीटर की जैसे मिनी में लग गया है प्रॉब्लम, मतलब एटीट्यूड उसके ऊपर नहीं जा सकता, तो कह रहे हैं NPNT कंपैटिबिलिटी DJI ने मना कर दिया है। तो इस पे मैं कमेंट ये करूंगा कि अभी एज सच मना कर दिया है या मना नहीं किया है ये कंफर्म नहीं है, बातचीत चल रही है, हो सकता है कि वो मान जाए, राइट। और जहां तक हार्डवेयर का बात कर रहे हैं आप, हार्डवेयर चेंजेस चाहिए होंगे, इतने हार्डवेयर का उसमें ऑप्शन वो नहीं है, क्योंकि जो टेक ऑफ और लैंडिंग है ड्रोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो चक्कर है NPNT वाला ज्यादा तामझाम करने वाला नहीं है। अगर DJI कोऑपरेटिव बनती है, कोऑपरेशन दिखाती है, तो बहुत इजीली NPNT कंपैटिबिलिटी आ सकती है। बट ये बात जरूर है कि उनको इंडियन मार्केट के लिए अलग से एक प्रोडक्शन लाइन खोलनी पड़ेगी, समझ रहे हैं बात को, तो उसमें उनका एक अलग से डेडिकेशन चाहिए उनको। तो वो मानते हैं नहीं मानते, पर जहां तक चेंजेस का सवाल है वो इतना चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो इस पे मैं यही कहूंगा अभी जस्ट वेट। और इन्वेस्ट करने की बात है, जहां तक DJI के ड्रोन में माइक्रो ड्रोन की बात कर रहे हैं आप कि हमें लेना चाहिए कि नहीं NPNT कंपैटिबल, देखिए रेगुलेशंस बन गई है इंडिया में बट वो अभी तक एक्शन में नहीं आई है। NPNT कब से हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ अभी तक जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इंडस्ट्री ड्रोन में जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें ये चीज़ें लग रही हैं, उस पर यह लागू हो जाएगा, उनका भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिनको अब एट प्रेजेंट मोमेंट पे ड्रोन शॉट्स चाहिए, लोग ले रहे हैं ड्रोन्स और DJI इज द मास्टर, मतलब एट नंबर वन एट प्रेजेंट, तो उस हिसाब से ये जरूर है पब्लिक में आप नहीं उड़ा सकते। आइसोलेटेड प्लेसेस में जैसे कैंपिंग कर रहे हैं वहां पे जाके आपने सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं, ड्रोन शॉट्स लेने हैं, तो वो आप DJI का ड्रोन लेंगे तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। अगर जस्ट फॉर फन ले रहे हैं देन यू कैन रिजिस्ट, ठीक है। आशुतोष नेगी जी बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप, नमस्कार। ये हमारे बहुत खास सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो में हमका कमेंट आता है और बहुत बढ़िया सपोर्टिव कमेंट होता है। इनका भी कोई क्वेश्चन था, भाई साहब क्रैश नहीं हुआ, मैंने सेंसर क्रैश नहीं हुआ, मैंने सेंसर ऑफ करके चलाया था, बंद में सेंसर ऑन करने के बाद ये प्रॉब्लम आई। और हाँ हमारे यहाँ ड्रोन कोई सा भी आसानी से मिल जाता है, फैंटम 4 एडवांस लूँ या नॉर्मल फैंटम 4। अच्छा ये कह रहे हैं इन्होंने उड़ाया, सेंसर ऑफ करके उड़ाया और क्रैश नहीं हुआ, उसके बाद सेंसर में प्रॉब्लम आ गई है। तो बेसिकली अगर आपने कैलिब्रेशन वगैरह करके देख लिया है फिर भी सेंसर्स नहीं चल रहे हैं तो आप फैंटम 4 एडवांस लें, डेफिनेटली वही फार बेटर फ्रॉम फैंटम 4। ओके, और अगर मेरे हिसाब से मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैविक, अगर आपका इतना बजट है तो मैविक प्रो 2 लें लेटेस्ट। मीना देवी कह रहे हैं मोतीहारी बिहार में DJI मिनी 2 फ्लाई कर सकता है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए जहां पर पब्लिक प्लेस है वहां पे आप कोई ड्रोन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन नहीं उड़ा सकते हैं, पब्लिक प्लेस में ड्रोन उड़ाना नॉट अलाउड विदाउट परमिशन, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस की, पुलिस के ऊपर कोई वहां पर DC जो भी है परमिशन के साथ आप उड़ा सकते हैं। आइसोलेटेड प्लेस में जहां पब्लिक प्लेस नहीं है, जहां पर ज्यादा जनता नहीं है वहां पर आप उड़ा सकते हैं। यस ये आप ध्यान में रखें कि वहां पर ड्रोन वर्जित ना हो, मतलब मिलिट्री एरिया वगैरह ना हो पहाड़ों में,
और अगर वहाँ उड़ा दिया तो वो भी जब्त हो जाएगा, ठीक है, कीप इट इन माइंड। आदित्य प्रसाद कह रहे हैं, आई वांट टू बाय द डीजे मैनी टू, बट इट्स देयर एनी स्टोर इन महाराष्ट्र टू बाय दैट? नागपुर महाराष्ट्र, इन मुंबई थाने, थाने में बहुत डीलर्स हैं ड्रोन्स के, एंड आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय मिनी ड्रोन एट ऑल बिकॉज ऑफ दैट आल्टीट्यूड प्रॉब्लम। 15 मीटर उसकी लिमिट हो गई है एल्टीट्यूड, सो गो फॉर मैविक एयर और मैविक एयर टू। ददाकर चेतन इज ऑल्सो अवर ओल्ड सब्सक्राइबर, मेरे को डीजे मैविक टू कॉम्बो पैक लेना है, कोई है क्या दुबई से लेके देने वाला मुझे? मैं पैसे देता हूँ। तो कोई मेरे सब्सक्राइबर दुबई में किसी का लिंक हो और वहाँ से आ रहे हो तो हमारे खास सब्सक्राइबर ददाकर चेतन जी मैविक एयर टू लेना चाहते हैं तो आप नंबर शेयर कर लें, आई एम द प्लेटफॉर्म हेयर, आपका मैसेज मैंने दे दिया है। तो ये हमारे काफ़ी खास सब्सक्राइबर हैं, तो जो कोई अगर दुबई से लिंकेज रखता है और वहाँ से ला रहा है तो प्लीज़ इनके लिए मैविक एयर टू ला दें। डॉक्टर मासूम करीम, गिफ्ट इजी किसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या ए ड्रोन डीजे टेलो से अच्छा है? आपने अपने राय समझाएं, साझा करें। ओके, देखिए शिफ्ट इजी, अगर मैंने खाली आप ड्रोन कोई आपने देखा है डीजे टेलो के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपका मतलब आपने स्टार्टर ड्रोन लेना है तो टेलो से बढ़िया कोई ड्रोन नहीं है। बजट में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम रेंज में दोनों ड्रोन आ रहे हैं तो गो फॉर डीजे टेलो, यही मेरा सुझाव है। राहुल शर्मा जी, सर आपकी वीडियो बहुत ही जानकारी देती हैं, थैंक यू राहुल जी। प्लीज़ स्मार्ट कंट्रोलर पर बेसिक क्लास वीडियो स्मार्ट कंट्रोलर पर बनाइए। हाँ, ये मैंने डेफिनेटली आपका कमेंट पढ़ा भी था और ये मेरे माइंड में भी है, डेफिनेटली मैं बना दूंगा। नेक्स्ट इज अलंग मशीनरी, मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा। एनीवेज इनका क्वेश्चन है, आई आस्क्ड डिस्टिल स्काई एंड दे क्लियर टोल्ड दैट नैनो ड्रोन शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। देखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इस पर मैं एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है रजिस्ट्रेशन में और एनलिस्टिंग कराने में, ये इवन जो कर रहे हैं ना उनको भी कन्फ्यूजन है। तो ये मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि नैनो ड्रोन को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ये आप ड्रोन की जो पूरा उन्होंने बनाया ना पूरी पोथी बनाई है, PDF मैं शेयर कर दूंगा अपनी कम्युनिटी टैब में, आप वहाँ से भी ले लेना, या आप DJI ये जो हमारी साइट है DJI से ये की वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लें। वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो नैनो ड्रोन है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको UIN नंबर मिलेगा, UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारी गाड़ियों और स्कूटर बाइक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, राइट, RC बनती है, वही चीज़ है UIN नंबर, ठीक है, और वो नैनो ड्रोन के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए नैनो ड्रोन में ये चीज़ नहीं लगती, नहीं लागू होती, इसीलिए 15 मीटर की आल्टीट्यूड लिमिट मिनी में लग गई है, समझे? जो आप बात कर रहे हैं वो एनलिस्टिंग से मत उसको घुसाएं बीच में। एनलिस्टिंग है मतलब अनुमान लगाना कि कितने ड्रोन्स इंडिया में है, तो उसमें आपको UIN नंबर नहीं मिलता, वो आपका एक एनलिस्टिंग नंबर है, समझ रहे, वो मिलता है उससे, वो सभी ड्रोन्स का होगा, चाहे टॉय ड्रोन आपके पास वो भी होगा। अब मैंने क्लियर कर दिया, अगर इस पर आप फिर से डिटेल में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, रजनी प्रसाद, कैन वी ऑर्डर ड्रोन फ्रॉम ओरिजिनल DJI वेबसाइट? सो द आंसर इज नो। DJI की साइट से आप अगर ऑनलाइन, पहले तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ऑर्डर, आपकी पेमेंट ही नहीं लेगा, वहां पर अपने आप आ जाएगा कि इंडिया में हम डिलीवर नहीं करते, तो वैसे भी हमने आपको बता दिया हम नहीं कर सकते, आप किसी भी साइट से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं ड्रोन DJI का, सिर्फ Amazon इंडिया पे अगर अवेलेबल है तो वहां से भी कैश ऑन डिलीवरी में लें, फॉर द सेफेस्ट चॉइस। सर माई क्वेश्चन इज, अजीज जी पूछ रहे हैं, सर माई क्वेश्चन इज दैट कैन वी टेक न्यू ड्रोन नाउ एज बिकॉज आई एम फोटोग्राफर, so I need, so at this time can I take new DJI Mavic 2 Pro? Definitely you can buy if you need it. Mavic Air, Mavic 2 Pro is an excellent drone,
और आपकी अगर नीड है ड्रोन शॉट्स की आप ले सकते हैं, पर हाँ ध्यान से उड़ाएं क्योंकि अभी रेगुलेशन इंप्लीमेंट जैसे परमिशन वाला सिस्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो आपको मैनुअली परमिशन लेनी चाहिए। अगर आप पब्लिक प्लेस पे नहीं उड़ा रहे तब आइसोलेटेड जगह पे तो बिंदास उड़ा सकते हैं। व्हाट इज द प्राइस ऑफ मैविक एयर 2 इन इंडिया? देखिए ये ना प्राइजेस मैं अगर एक बोल दूंगा तो फिर आप कहेंगे वहां पर हमने सुना था। प्राइजेस वेरी करते हैं इंडिया में जगह जगह पर, और जो ओरिजिनल रेट है DJI की साइड पे उससे महंगा ही मिलता है इंडिया में, ठीक है? तो थोड़ा प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। तो बाकी आप मुझे ईमेल में लिखें तो मैं आपको लेटेस्ट रेट्स बता दूंगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी। एट प्रेजेंट काफ़ी वेरिएबल चल रहा है तो अभी मैं इसमें नहीं बोल सकता एट प्रेजेंट। कुलदीप जी कह रहे हैं क्या हम DSLR ला सकते हैं दुबई से? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। सर गुड मॉर्निंग, मेरा आपसे सवाल है कि 5G के नेटवर्क स्पीड में कंपनी यूजर्स को कितना GB देगी? देखिए 5G जब आएगा तब क्लियर होगा, पर मेरे हिसाब से ऐसे ही 2-2 GB वाले 3-3 GB वाले प्लान स्टार्टिंग में शुरू होंगे डेफिनेटली। कैन आई बाय सेकेंड हैंड DJI मिनी 2 ड्रोन फॉर 50,000? इट इज 1 month यूज, इज इट वर्थ माई? आई विल से नो। 50,000 में आप थोड़े और पैसे डाल के मैविक एयर पहले वाला पुराने वाला मतलब जो अर्लियर वर्जन है आपको मिलता है तो वो 70 के आसपास आपको मिल जाएगा, 60-70 हज़ार का, तो वो लें। मिनी में आप ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम आ रहा है तभी मेरे को लगता है बंदा बेच रहा है, मत लें। नाउ माधव, माधव जी, माधव यदलापति, एज वी आर अवेयर देर इज नो NPNT प्रोसेस येट एस्टेब्लिश्ड इन डिजिटल स्काई, यू आर राइट। डू यू सजेस्ट टू एनलिस्ट ऑल द करंट माइक्रो ड्रोन्स विच यू आर परचेज एंड विल डिजिटल स्काई गिव UI नंबर फॉर माइक्रो बींग नॉट NPNT कंप्लायंट? चूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, हैव यू एनलिस्टेड योर माइक्रो वंस इन डिजिटल स्काई? मिस्टर माधव आई हैव एनलिस्टेड माई माइक मेविक एयर माइक्रो ड्रोन ऑलरेडी, वेन द डेट्स वर अनाउंस्ड ऑलरेडी आई हैव एनलिस्टेड माई ड्रोन। नाउ एज फार एज रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न वी ऑल आर वेटिंग, आई एम ऑल्सो वेटिंग वॉट विल हैपन टू DJI ड्रोन्स बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रोन्स इन इंडिया स्पेशली ऑफ DJI। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो कन्फ्यूज बिट टू हाउ टू डील विद सिचुएशन। ऑन वन हैंड दे हैव implemented that NPNT should NPNT compatibility should be there, on second hand another hand, so there is no cooperation from the DJI right now at present. So in the future they may give some update which will make them NPNT compatible, so you never know, so I will update for sure. तो ये पूछ रहे हैं माधव जी कि आपने क्या अपना एनलिस्ट करवाया, तो मैं इनको बता रहा हूँ कि यस मैंने एनलिस्ट करवा दिया अपना ड्रोन। बाकी ये पूछ रहे हैं NPNT कंपेटिबिलिटी अभी DJI की तरफ से नहीं शुरू हुई है तो क्या हमारे ड्रोन्स को DJI के ड्रोन्स को UI नंबर मिलेगा जब शुरू होगा? तो उसका मेरा जवाब यही है कि सभी अभी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ड्रोन्स हैं DJI के इंडिया में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और उसके बाद हमें भी UI नंबर मिलेगा। मेरे आई एम पॉजिटिव ऑन दिस साइड, डेफिनेटली यू विल गेट somehow. Rajat David, sir, I have completed an internship in drone development, so can I directly enroll for the professional training of IIT T2 or should I do the basic training first? Definitely you can increase your level and I will suggest to do training also, basic training also, please, that is good for your future. Sir, Mavic Air 2 India mein kab tak milega aur kis price mein lena hai? Dekhiye approximately 1.5 लाख मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेट मतलब से ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ ही टाइम में आ जाएगा, कुछ आ भी चुके हैं लोग लेके भी आ रहे हैं, तो आप बस मेट्रोज में सर्च में रहें डेफिनेटली। सचिन राज, माई एज इज 15 ईयर्स, हाउ कैन आई एनलिस्ट माई? बिलो 18 यू कैन नॉट एनलिस्ट योर ड्रोन्स। प्रताप महेंदाले, कैन यू प्लीज डेमोस्ट्रेट वॉट विल हैपन इफ यू टेक ऑफ द DJI मिनी 2 फ्रॉम 10th फ्लोर? इट विल गो 10th फ्लोर प्लस 50 मीटर्स? येस आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दैट। प्रताप जी आपके ही कमेंट को देख के मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो डेफिनेटली वो कैसे हाइट नापता है, वो बेसिकली बैरोमीटर इसमें रहता है मेनली,
बैरोमीटर सेंसर डीजे के ड्रोन में होता है, जिसकी मदद से वो हाइट को नापता है और जिस जगह से आप उड़ाते हैं वहीं से उसको वो जीरो करके आगे लेता है। अगर आप 10 मीटर 10वीं फ्लोर से उड़ा रहे हैं तो डेफिनेटली 10वीं फ्लोर का आपको हाइट मिल गया ड्रोन का, फिर वहां से जो 15 मीटर की हाइट आएगी वो ही ड्रोन काउंट करता है। सर ड्रोन का गिव अवे प्लीज, आशीष डीजे। बहुत बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर। जिस दिन हम काफी बड़े लेवल पे मेरा चैनल पहुंच गया और DJI और ड्रोन्स कंपनीज मेरे पास आने लग गई, जैसे टेक्निकल गुरु जी के पास मोबाइल वाले आते हैं, तो डेफिनेटली आई विल डू दीज गिवअवेज। तो आप बस प्यार दें और अपना सपोर्ट देते रहें और हमारे चैनल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, तो फिर जब कंपनीज आएंगे तो गिवअवेज भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इस पर मैं टेक, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा टेक की बात भी करता हूँ, एंड एज ए डॉक्टर आई ऑल्सो शेयर सम हेल्थ टिप्स कभी कभी। और इस में आप कमेंट्स करें जो कि नेक्स्ट सेशन में लिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।